हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई मीनाक्षी, प्यार से आप लोग मुझे मान्या भी बुला सकते हो। गाइस, आज का जो आई मेकअप ट्यूटोरियल है वो है हेलो आई लुक। हेलो आई मेकअप कैसे कर सकती हैं आप घर पे बड़ी इजीली, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा गॉर्जियस सा आई मेकअप है जो आप किसी भी ड्रेस के साथ में इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी ड्रेस में गोल्डन शेड है, कॉपर शेड है, ब्राउन शेड है, तो आप ये आई मेकअप उसके साथ में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप सारा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हेलो आई मेकअप कैसे करते हैं। तो जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज जो मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करूंगी आई मेकअप में, फेस मेकअप में, वो सारे के सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अगर आप लोगों को कुछ पता ना चले तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मेबरिन का एज रिवाइंड कंसीलर लिया है जो कि सैंड शेड है। आईलिड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद में आप चाहो तो कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने तो नहीं किया था। अगर आप ज़्यादा स्टे करना चाहते हो, आपकी आई शेडो स्टे रहे, तो गर्मियों में आप कंसीलर के बाद में लूज पाउडर अप्लाई कर सकते हो। अब मैंने मिस गोल्ड का ग्लिटर आई शेडो पैलेट लिया है। ये एक लोकल ब्रांड ही है, बट काफ़ी पुराना आई शेडो है मेरा, तो इसमें मैट शेड है। मैंने ट्रांसलूसेंट शेड को अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई किया है, जो मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। अब मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ, और मैं अपने इनर वी पे भी इसको अप्लाई करूँगी, और सेंटर वाला हिस्सा छोड़ दूंगी। इस चीज को आप ध्यान से देखना कि मैंने कैसे अप्लाई किया है। अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी। अब मैंने SFR का हेटेड विद लव आई शेडो पैलेट लिया है। गाइस, इसका मैंने रिव्यू अपने आई शेडो के पैलेट के वीडियो में किया हुआ है, वो भी आप वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं देखा। इसका मैंने फुल रिव्यू किया। मैंने इसमें डार्क ब्राउन शेड लिया, जो कोको कोला शेड होता है वैसा, जो मैं अपने इनर वी पे अप्लाई कर रही हूँ और आउटर वी पे भी अप्लाई करूंगी। अब मैंने मेबरिन का ही एज रिवाइंड कंसीलर लिया है, जो मैं अपने हेलो आई की लुक क्रिएट करने के लिए सिर्फ सेंटर में अप्लाई कर रही हूँ। और ये स्टेप आप ध्यान से देखना कि हेलो आई लुक में कैसे कंसीलर को अप्लाई किया जाता है। तो मैं शेप दे रही हूँ इससे। मैंने दोनों आईलिड के ऊपर लगा लिया है कंसीलर को। अब मैंने SFR के सेम आई शेडो पैलेट में से गोल्डन शेड लिया, जो मैं सेंटर में अप्लाई कर रही हूँ, ओनली सेंटर में ही अप्लाई करना है। ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को। मैंने फ्लैट ब्रश से गोल्डन शेड अप्लाई किया है। अब मैंने अपनी थोड़ी फिंगर टिप्स के ऊपर ब्राउन शेड लिया है, डार्क वाला ही कोको कोला शेड, तो मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ साइड पे, ताकि गोल्डन शेड में हल्का सा मिक्स हो जाए और कोई भी हार्श लाइन ना दिखे, ताकि मेरा आई मेकअप और भी ब्यूटीफुल लगे और सारी की सारी आई शेडो ऐसे लगे कि जैसे पूरी तरह से मिक्स हो गई है और अच्छी ब्यूटीफुल सी लुक आती है। अब मैंने मेबरिन का कोलोसल मस्कारा लिया है, मैं अपनी आईलैशेस पे अप्लाई कर रही हूँ, और मैंने निक्स कंपनी का काजल लिया है, मैं अपनी वॉटर लाइन भी अप्लाई कर रही हूँ। अपनी आईलैश के जो नीचे वाला होता है ना लाइन, उस पर भी मैंने काजल लगा लिया। अपने में फॉल्सीज लगा रही हूँ, जो लोकल ब्रांड की ही है, मैंने कोई ब्रांडेड नहीं ली थी। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड की ले सकते हो फॉल्सीज। कलर बार का फेस प्राइम में लिया, मैंने मेबरिन के फाउंडेशन ली है, और मैंने मामार्थ का मॉइस्चराइजर लिया है। सारे प्रोडक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। गाइस, अगर आपको कोई आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, घर पे हूँ, शाम का टाइम है, तो टीवी वगैरह चल रहा है शायद, इसीलिए आवाज़ थोड़ी आपको शायद आ सकती है।
मैंने एनवाई बे की कंटोर स्टिक ली है। अब मैं कंटोर ब्रश के साथ में इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छी तरह से, ताकि मेरे फेस को एक अच्छा सा स्ट्रक्चर मिल जाए। मेबलिन का मैंने कंसीलर लिया है, ये लाइट शेड है, आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले सकते हो। जब भी आप फाउंडेशन लो तो उससे हाईलाइट करने के लिए जो कंसीलर होता है वो आप हमेशा दो टोन लाइट ही लिया कीजिए। अब मैं अपने पैक के ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। इन कलर का मैंने ब्लशर लिया है, जिसमें मैंने पीच शेड अप्लाई कर रही हूँ अपने चीकबोन पे। स्विस ब्यूटी का बेक्ड हाइलाइटर लिया मैंने, जिससे मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ। मिस क्लेयर का मैंने आईब्रो पैलेट लिया है। अब मैंने डार्क ब्राउन जो कोकोला शेड था वही लेके मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे स्मोक आउट किया है मैंने, क्योंकि ये हेलो आई ब्राउन शेड का जो है जो मैंने स्मोकी लुक साथ में दिया है तो और भी ब्यूटीफुल लुक करती है। तो मैंने हाइलाइटर को अपनी ब्रो बोन पे लगा लिया, अपने इनर वी पे भी अप्लाई कर रही हूँ। अब मैंने मैक कंपनी का रूबी वू रेड कलर का लिप शेड अप्लाई कर रही हूँ। ये बड़ा ही अच्छा क्रीमी मैट सा लिप कलर है, ब्यूटीफुल लुक आती है। तो गाइस ये है मेरी फाइनल लुक, देखिए कितना ब्यूटीफुल सा हेलो आई मेकअप लग रहा है। ये आप इजीली वेरी इजीली घर पे अप्लाई कर सकते हो इस आई मेकअप को, अगर आपने सारा स्टेप बाय स्टेप देखा होगा तो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर देना, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करने के बाद में गाइज एक बेल बटन भी आपको दिखेगा, बेल का मार्क दिखेगा, वो भी आप दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी आए तो आपको मिल जाए जब भी मैं नई वीडियो डालती हूँ। जल्दी ही एक और नया अच्छा वीडियो लेके मैं आप सबके सामने आऊंगी। आपको जो आज का आई मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बता देना, आपके कमेंट पढ़ के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लव यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय।